मांस भात खाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे, मांस भात खाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे कि पटना में हमारे कार्यक्रम है, मांस भात खाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे, ये पूरे बिहार में मेरा कार्यक्रम चलेगा। क्योंकि हम मांस भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे, उसमें आप लोग को भी निमंत्रण अभी से दे रहे हैं, 7 तारीख को पटना जगह हम चिन्हित करके आप लोगों को बता देंगे और 7 तारीख से पूरे बिहार में हमारा दौरा चलेगा, ये कार्यक्रम चलेगा। पिछले 4.5 साल से लगातार 2014 से एक आशा और एक उम्मीद से अपने समाज के बीच में हम हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 2014 में भी देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमने बहुत ही मेहनत किया। हमने उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे जी ने लिखित करके उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आने वाले समय में मछुआरा समाज के हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम काम करेंगे। 2015 में देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने वादा किए थे कि जो आपकी लड़ाई है, जब बंगाल में आरक्षण निषाद को मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है या उड़ीसा में आरक्षण मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे भी बिहार में भी आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि 2015 में हमारे पूरे बिहार से 10,000 से ज़्यादा अधिक लोग पटना के गांधी मैदान में आकर अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाया। उस समय में नीतीश कुमार जी ने, उनकी सरकार ने पूरे निषाद बंधु माता बहन के ऊपर प्रवरता से लाठीचार्ज उन्होंने किया, बहुत हम लोग घायल हुए, लेकिन नीतीश जी को एहसास हुआ कि जो भी हमने किया वो गलत किया। 12 घंटे के अंदर में अपने कैबिनेट से पास कर दिया कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और हमने 2015 में आरक्षण के नाम पर हमने मोदी जी को सपोर्ट किया और कहीं ना कहीं 3 साल बीत गया और मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और हाल फिलहाल में हमने गांधी मैदान में एक बड़ा 5 लाख से अधिक लोग वहां पे जुटकर अपने ताकत दिखाकर एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम का घोषणा किया, क्योंकि हमें लगा कि संगठन के तहत रहकर उसके पीछे पीछे किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ घूमने से अच्छा कि एक अपना दल बनाया जाए और पूरे बिहार के निषाद समाज का आस्था और विश्वास उस दल में है और हम लोग पूरे बिहार में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आदरणीय प्रिय तेजस्वी यादव जी के सहयोग से आने वाले समय में हमारे उपेंद्र जी ने आप लोगों के बीच में कह दिया कि हमारी जो भी लड़ाई है उसमें हमारा सहयोग होगा, हम सब साथ में लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारे बिहार में खास करके निषाद समाज को हक अधिकार आरक्षण दिलाने के लिए लड़ाई है, जो बंगाल या दिल्ली जैसे राज्य में मिल रहा है तो बिहार में भी मिले इसके लिए लड़ाई है। अभी जरूरी गिरा, जो लोग हमसे वादा करके हमसे काम करा के हमें मजदूरी नहीं दिया उनको सबक सिखाने की, तो आने वाले समय में 2019 में हम लोग मजबूती से महागठबंधन परिवार पूरे बिहार में 40 के 40 लोकसभा सीट पर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, हर सीट को जीतेंगे। निश्चित तौर पे मैं आप लोगों के बीच में राजनीति में आए हुए सिर्फ 2 महीना हुआ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में महागठबंधन के सामने में एनडीए अगर 2 अंक भी अगर पूरा कर ले तो 2019 के बाद मैं बिहार में राजनीति में छोड़ दूंगा। बिहार में 2 अंक भी वो पूरा नहीं कर सकते हैं, निश्चित तौर पे इतना मुझे भरोसा है, क्योंकि जब भी उपेंद्र जी वहां से छोड़ के आ गए उसी समय में मैंने निर्णय ले लिया कि हम आने वाले समय में, क्योंकि वहां पे कुछ बचा नहीं है, निश्चित तौर पे हम लोग महागठबंधन का साथ देंगे, महागठबंधन के परिवार में आएंगे और निश्चित तौर पे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अपने समाज और बिहार के गरीब जनता के लिए, क्योंकि मैं भी एक मछुआरा परिवार में जन्म लिया, गरीबी क्या चीज होता मैंने देखा।